रिलायंस इंडस्ट्री। इंडिया का नंबर वन कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। अगर आपके पास रिलायंस का शेयर है, अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का न्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने रिसेंटली फॉरेक्स बॉन्ड इशू किए हैं, जिसके अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो है $4 बिलियन, और ये इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब करीब 28,000 करोड़ से भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और इस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे $11.25 बिलियन का सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिल चुका है, जो करीब करीब यहाँ पे 3 गुना दिखाई दे रहा है जो इशू साइज के हिसाब से। और ये बॉन्ड जो डिक्लेयर किया गया है, ये 3 फ्रेंचाइज में किया गया है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। और ये रेटिंग की बात करें तो SINP के द्वारा जो रेटिंग दिया गया है, BBB+ रेटिंग रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है। अकॉर्डिंग टू मूडीज की बात करें तो मूडीज यहाँ पे जो ब्रोकरेज फर्म है, उसने यहाँ पे Baa2 का रेटर यहाँ पे रेटिंग दिया गया है। और ये रेटिंग जो यहाँ पे दिया गया है, वो इंडिया के हिसाब से देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत ही पॉजिटिव रेटिंग माना जाता है। अभी ये बॉन्ड को आप डिटेल्स में देखेंगे तो जो पहला बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है $1.5 बिलियन का, जो 2032 तक मैच्योरिटी होता है, जिसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा 2.875%, और ये 10 साल के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये हाफ ईयरली पेमेंट होने वाला है रिलायंस बॉन्ड का, ये पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो बॉन्ड है, ये डॉलर की बेस के हिसाब से है, तो इंडिया में जितना भी बॉन्ड इशू होता है वो रुपीज की बेस में होता है, और रिलायंस के अंदर यहाँ पे बॉन्ड डॉलर के ऊपर होने के कारण ये जो इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉलर के ऊपर लागू होता है। अभी जो दूसरा बॉन्ड आप देख पा रहे हैं वहाँ पे है $1.7 बिलियन का, जो 2052 में कंप्लीट होने वाला है, तो करीब करीब यहाँ पे 30 साल बाद ये कंप्लीट होने वाला है, जहाँ पे इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है 3.625% का। उसके बाद जो तीसरा यहाँ पे है वो है $750 मिलियन का, जो मैच्योरिटी कंप्लीट होने वाला है 2062 तक, और ये इसका जो इंटरेस्ट आप मिलेगा वो है 3.75% का। ये जो इंटरेस्ट है आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलरली दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मैच्योरिटी वाइज बॉन्ड इशू किया जाता है, बेसिकली रिस्क को ध्यान में रखते हुए एंड बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, ये दोनों को डिपेंडेंस के ऊपर ये बॉन्ड इशू किया जाता है। तो ये पूरा जो डिस्कस मैंने किया है, इसके अंदर पॉजिटिव बात क्या है? पॉजिटिव बात है कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी, क्योंकि कंपनी यहाँ पे 40 साल बाद का लक्ष्य रख के यहाँ पे चल रहा है। तो पिछले जो 40 साल देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, तो आगे आने वाले जो 40 साल है उसमें भी कंपनी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवनेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है तो फ्यूचर में इसका फायदा आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो ये जो पैसा कंपनी यहाँ पे जुटा रहा है, वो खर्चा कहाँ पे करेगा? सबसे पहले कुछ बॉन्ड, जो पुराना बॉन्ड है, ये मैच्योरिटी होने वाला है, तो वो पेमेंट यहाँ पे करने वाला है रिलायंस इंडस्ट्री। उसी के साथ कंपनी ने जो कहा है कि 70-75,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर, तो वहाँ पे भी कंपनी निवेश कर सकते हैं। और मार्केट की माने तो कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी है, वहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन 3-4 लाख करोड़ अभी भी मिल रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है रिलायंस इंडस्ट्री को लेके। तो अगर आप इस रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर निवेश करना चाहते हैं, डिटेल्स में रिसर्च करने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।